बहरापन एक अभिशाप है। बहरापन ऐसा नहीं है कि उम्र के आखिरी पड़ाव में ही होता है या अडल्ट में होता है। बहरापन हमारे न्यूबॉर्न को भी होता है, बच्चों को भी होता है, यंग को भी होता है, अडल्ट को भी होता है। अगर एक सिस्टमेटिक कारण अगर हम जाने तो बहरापन जैसे अगर न्यूबॉर्न को भी होता है, बच्चा जब पैदा होता है उस टाइम पे भी अगर आपको ग्रोसली चेक करना है तो अगर आप बच्चे के जो न्यूबॉर्न के अगर कान की तरफ ऐसे चुटकी बजाओगे तो उसका रेस्पॉन्स ऐसे होगा। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों बड़ों में थोड़े से जो बड़े बच्चे हैं उनमें भी क्या है कि बहरापन अगर है और हमें पता कैसे लगे इस चीज़ का, तो बहुत बार आपने देखा होगा जो बच्चे डिलेड स्पीच होते हैं यानी बोलते नहीं हैं, तो मोस्टली जो बच्चे दोस्तों जो थोड़े बड़े बच्चे जो अपने हम उम्र बच्चों के साथ जो बोलना शुरू करते हैं अगर वो डिलेड स्पीच है तो इसका मतलब है कि उनको सुनाई नहीं देता। हम बोलते कब है? हम बोलते वही हैं जो चीज़ सुनते हैं उसका रिप्लाई करते हैं, उसका जवाब करते हैं। और इससे बड़े अगर हम बात करते हैं तो अगर आपका बच्चा टीवी की वॉल्यूम बहुत तेज रख रखा है, टीचर कंप्लेंट कर रहा है, इसका मतलब हो सकता है वो उसको बहरापन हो। दोस्तों बच्चों से जब बड़े हो जाते हैं जब तो फिर हम खुद ही पहचान जाते हैं कि मेरे को सुनाई कम देता है। तो ये अलग अलग स्टेज हैं हमारे हियरिंग लॉस की। हम इस चीज़ को कैसे दोस्तों मैनेज करें, अगर प्रिवेंट करें कि लाइफ में जो है वो समय पे उस चीज़ का पता लग जाए तो आगे हमें बहरेपन से बचा जा सकता है। न्यूबॉर्न जब बच्चों की डिलीवरी होती है दोस्तों एक सिंपल टेस्ट होता है OAE ऑटो एकॉस्टिक एमिशन। दोस्तों उससे हार्डली अगर उसकी कॉस्ट की बात करूं तो 500 से 800 रुपए में वो टेस्ट हो जाता है एंड 5 मिनट भी उसमें नहीं लगते। आपका न्यूबॉर्न जो है वो अगर उसको OAE का टेस्ट कराते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि मेरे कान से जो दिमाग तक जो नर्व जो सिस्टम जो सर्किट है वो मेरे बच्चे का परफेक्ट है एंड मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। सो हमें वो कराना चाहिए, दैट इज ए स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द हियरिंग। ये एक नियम बना लीजिए, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो अपना बच्चे या आपकी कम्युनिटी में या आप जितने भी जहां डिलीवरी हो रही है तो एक नियम बना लीजिए तो आने वाला जो भारी तूफान है हियरिंग से रिलेटेड उसको रोका जा सकता है। दोस्तों इससे बड़े अगर बाद में अगर हमें पता लगता है, जैसे कई बार मान लो हम OAE टेस्ट नहीं करा पाते तो बाद में जब हमें लगता है कि मेरा बच्चा जितने जो बच्चे नॉर्मल बच्चे बोलना स्टार्ट कर रहे हैं वो नहीं बोल रहा, तो आपको तुरंत जागरूक हो जाना चाहिए डॉक्टर को दिखा के। फिर आपका OAE और एक बहरा टेस्ट होता है जिसके माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि हमारे कान के अंदर का आंतरिक कान का जो डेवलपमेंट है वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। दोस्तों एक प्रैक्टिस की मैं जो प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूँ आपको, कि जो बच्चे हमारे पास जो आते हैं ना बहुत दुख होता है, वो इतनी लेट स्टेज में आते हैं 12 साल 15 साल, क्योंकि उससे पहले वो बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान करते रहते हैं सुनाई देने के लिए। ऐसा नहीं है, समय पे वो जांच करा के हमें पता लगाना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे क्या है अगर बच्चे की नस का विकास नहीं है। दोस्तों आजकल एक कोकिलर इम्प्लांट सर्जरी होती है, उस इम्प्लांट सर्जरी से आपका बच्चा जो है वापस सुन सकता है। एंड इसके बाद में दोस्तों एक सिंपल जो है अडल्ट में अगर सुनाई का लॉस होता है तो एक PTA सिंपल प्योर टोन ऑडियोग्रामी 500 से 800 रुपए का एक टेस्ट होता है, हर साल हमें कराना चाहिए। हमें पता लग जाता है हमारा हियरिंग का स्टेटस क्या है और आपके कान के पर्दे की जांच होनी चाहिए ऑटो एंडोस्कोपी से, जिससे आपको पर्दे का भी इवैल्यूएशन हो जाएगा एंड हम जो भी उचित इलाज है वो कर सकते हैं। सो दोस्तों ये है हियरिंग लॉस। यानी बच्चों में अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो जागरूकता है वो इंपॉर्टेंट होती है जिससे हम बच्चे को जो है हियरिंग लॉस से बचा सकते हैं। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज रियली वेरी यूजफुल। यू कैन शेयर टू योर फैमिली फ्रेंड्स एंड कलीग्स जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द hearing loss in children. Thank you.